नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार के सरकारी तथा सरकार अनुदानित स्कूलों में करीब 40 लाख बच्चे कम हो गए हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल यह कमी प्रारंभिक स्कूलों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या में आई है। सत्र 2014-2015 की तुलना में सत्र 2018-19 में लगभग 40 लाख बच्चे कम हुए हैं। वर्ष 2014 में 2,06,49,462 विद्यार्थी राज्य के सरकारी व अनुदानित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक में नामांकित थे, जबकि 2018 में यह संख्या 1,66,84,400 हो गई। देश का जाना माना अखबार हिंदुस्तान में छपी खबर के अनुसार बिहार के स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली UDIS की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी बिहार और केंद्र के शिक्षा विभागों को भी है। आपको बता दें कि प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले 6 से 14 साल की आयु के बच्चों के लिए बिहार समेत देश भर में बच्चों की अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा कानून RTE लागू है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में इस आयु वर्ग के बच्चों को न तो कोई फीस लगती है, न ही कोई और खर्च लगता है। किताब, पोशाक से लेकर मध्याह्न भोजन तक सब कुछ मुफ्त में दी जाती है। इतनी सारी योजनाओं के संचालित होने के बावजूद बच्चों के नामांकन में आई इतनी बड़ी कमी सरकार के लिए चिंता की विषय है। हालांकि रिपोर्ट यह भी बता रही है कि इस दौरान निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। UDIS की रिपोर्ट की माने तो 2014-15 में सरकारी तथा निजी स्कूलों को मिलाकर प्रारंभिक में 2,21,33,004 बच्चे नामांकित थे। वहीं सत्र 2018-19 में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक में नामांकित बच्चों की संख्या लगभग 1,94,86,567 है। रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में कुल नामांकन में लगभग 26.5% की गिरावट आई है। आपको बता दें कि UDIS की 5 साल की रिपोर्ट यह भी बताती है कि एक ओर जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घटी है, तो वहीं दूसरी ओर निजी विद्यालयों में बच्चों की संख्या साल दर साल बढ़ी है। साल 2014 में पहली से आठवीं में राज्य के कुल नामांकित विद्यार्थियों में जहां 93.3% सरकारी स्कूलों में थे, तो वहीं निजी स्कूलों में महज 6.70% ही थे। 2018-19 में दोनों के प्रतिशत में करीब 8% का अंतर आया है। सरकारी स्कूलों में यह प्रतिशत घटकर 85.62% हो गई है, तो वहीं निजी स्कूलों में यह बढ़कर 14.38 पर पहुंच गई है। अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारी स्कूलों में बच्चे कम क्यों हुए हैं। अखबार की माने तो निम्न 3 कारणों से सरकारी विद्यालयों में बच्चे कम हुए हैं। शिक्षा के प्रति सजगता है और निम्न मध्य वर्ग के लोग भी पैसा होने पर निजी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने में लगे हैं। सरकारी स्कूलों का फिक्स टाइम टेबल है, सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक स्कूल चलता है। वहीं निजी स्कूलों में 2 बजे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद निजी स्कूलों के बच्चे अपने माँ बाप के ठेले खोमचे समेत अन्य कारोबार में मददगार बन पाते हैं। 40 लाख बच्चों की संख्या कम होने का बड़ा कारण डुप्लीकेसी रुकना है। पहले सरकारी योजनाओं के लिए बड़ी संख्या में बच्चे सरकारी व निजी विद्यालयों में नामांकित थे, लेकिन अब DBT से योजनाओं की राशि उन्हीं छात्रों को मिलती है जिनकी हाजिरी 75% है। ऐसे में बच्चे बड़ी संख्या में नाम कटाकर निजी स्कूलों में चले गए हैं। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने स्वीकार किया है कि प्रारंभिक सरकारी स्कूलों में बच्चे कम हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इससे बहुत सारे सकारात्मक पहलू भी हैं। अच्छी बात यह है कि इस दौरान निजी स्कूलों में बच्चे बढ़े हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।